which we are going to understand is importance of business environment okay now how it is important अब देखो इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं वाई अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑपरचुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज सेकेंड इसमें क्या है हमारे पास आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स And early warnings. Third importance is tapping useful resources. Fourth is Copying with rapid changes. Next is you're assisting in planning and policy. फॉर्मुलेशन एंड नेक्स्ट इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस तो ये कुछ आस्पेक्ट्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हैं तो पहला आस्पेक्ट वो कह रहा है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ठीक है अब देखो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की कि आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है ओके सो दे एस आई आई एंटर एग्रीमेंट विद एस्ट्राजेन का ओके और भारत बायोटेक ने अपना आई uh, के साथ कांटेक्ट किया और गवर्नमेंट की फंडिंग से वैक्सीन को डेवलप करना शुरू किया ओके okay. और आज की डेट में ऑन हंड्रेड रुपीज भारत कोविशील्ड इज अर्निंग फोर्टी वन रुपीज एज अ प्रॉफिट। तो ये क्या है कि बाकी जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं उन्होंने ये अपॉरचुनिटी को को आइडेंटिफाई नहीं किया और उन्होंने मूव ऑन नहीं किया कि लेट्स डेवलप समथिंग व्हिच कैन हेल्प अस इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम एंड अर्न प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट ओके या जैसे आज की डेट में अदानी इंडिया इज गोइंग टू बाय सॉफ्ट बैंक्स जो क्या कहते हैं इंडिया में जो उसका सॉफ्ट बैंक वालों का सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है 3.8 बिलियन डॉलर्स में ही इज गोइंग टू बाय आउट द प्रोजेक्ट्स तो वो क्या है कि उसकी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिसिटी में आप कोल से शिफ्ट होते हुए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हो तो उससे क्या है कि जैसे

सोलर पैनल्स ओके तो ये क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज है आपका कि आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये आने वाला फ्यूचर है और आप इस फ्यूचर को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी मूवमेंट करते हो इन एडवांस दैट इज द फर्स्ट बेसिक आस्पेक्ट दैट इज आइडेंटिफाइंग दुनिटीज एंड दे

क्या कहते अनएम्प्लॉमेंट बढ़ेगी रूरल एरियाज में पहले क्या था कि पिछली वेव में आपकी अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉमेंट बढ़ी थी रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी क्योंकि वहाँ पेंडेमिक का इंपैक्ट नहीं था वहाँ पे एलिमेंट नहीं पहुँची थी तो एग्रीकल्चर वर डूइंग वेल एवरीबॉडी वाज गेटिंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर फील्ड ओके तो उससे क्या हुआ था कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में कम थी ए, अर्बन में ज़्यादा थी अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से आपकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया जो आपकी बेसिक डिमांड है या एग्रीकल्चर टूल इक्विपमेंट्स की डिमांड है या आपकी ए, क्या कहते डे टू डे नीड्स की डिमांड है उस पर इम्पैक्ट नहीं आया था बट अब सेकेंड वेव में रूरल भी इंपैक्ट हो रहा है बहुत बुरे तरीके से तो इससे क्या है कि आपकी डिमांड पे इंपैक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज इंडिया में 94 परसेंट पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज बिजनेस में काम करती है और मेजोरिटी पॉपुलेशन रूरल में रहती है तो उसका इंपैक्ट आपकी डिमांड के ऊपर आएगा सो यू विल नाउ फ्रेम योर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स यूल यू विल फेस इन कमिंग फ्यूचर ओके तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि यू आइडेंटिफाई वट थ्रेट्स कैन बी पॉसिबल इन कमिंग टाइम पीरियड तो ये थ्रेट्स लेबर के लिए लेबर सप्लाई में होगा फैक्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इस सारे को हैंडल करने के लिए क्या पॉलिसीज प्रोग्राम्स फ्रेम आउट करने हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे तो ये बिजनेस इन्वामेंट को स्टडी करने में पता लगा कि हमारे को क्या थ्रेट्स आने वाले टाइम में फेस हो सकते हैं और उसकी वार्निंग्स मिल रही हैं इन फॉर्म ऑफ

और गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम पीरियड्स क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है कि पिछली वेव में तो 23 करोड़ पीपल वर अंडर दी पॉवर्टी लाइन अब इस वेव के बाद तो मतलब आप ये मान लीजिए 50 टू 55 करोड़ पीपल विल गो बिलो दी पॉवर्टी लाइन तो उससे क्या होगा कि आपको स्कूलिंग करनी है आपको कॉलेजेस देने हैं तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन अभी जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आने वाले टाइम में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पब्लिक पा, सेक्टर के हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा उनमें फैसिलिटीज इम्प्रूव करनी पड़ेंगी तो ये क्या है जो भी कंपनीज इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगी वो सारे रिसोर्सेस को टैप करना शुरू करेंगे टू सप्लाई इट टू दी गवर्नमेंट टू इंप्रूव अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन दिस नेशन तो ये इस तरीके से रिसोर्सेस को टैप करते हैं कि कहां से हम इसको अरेंज करें जैसे आपको ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है।, है आपके पास प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए बट आपको ऑयल के अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं तो आप उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर सकते हो ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट यू नीड टू टैप यू हैव टू हैव ए परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी जिससे आप बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट कर सको तो ये है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट के आने वाले टाइम में जैसे रिलायंस ने शेल गैस में इन्वेस्ट किया था अमेरिका में बट वो अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे चले तो उसको नुकसान हुआ था फिर अब ऑयल प्राइसेस वापस ऊपर आ गए हैं तो उसको बेनिफिट हो रहा है ओके okay. अब ओ ने ईरान में एक ऑयल वेल well का का कॉन्ट्रैक्ट लिया था बट क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं किया टाइम पे तो उसका प्रोजेक्ट ईरान की गवर्नमेंट ने लोकल कंपनी को हैंडओवर कर दिया तो इससे आपको नुकसान हो रहा है ओके okay. तो आपके पास एक परमानेंट सोर्स हट रहा है तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे आपको निकल चाहिए या आपको कॉपर चाहिए या आपको कोल चाहिए तो आप माइंस को टैप करने की कोशिश करते हो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में वहां पर रिसोर्सेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हो सो दैट यू कैन मेक कंटिन्यूस सप्लाई इन योर कंट्री फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ओके फिर आपके पास बिजनेस इन्वायरमेंट है विद रैपिड चेंजेस रैपिड चेंजेस क्या है कि आने वाले टाइम में बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं अभी आप देखते हो कि आपके घर पे जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं वो थ्रू केबल सप्लाई की जा रही हैं, ओके और उसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली ओके okay है बट आने वाले टाइम में क्या है स्टार लिंक्स टेस्ला ने लॉन्च कर दिया है अब वो हंड्रेड किलोमीटर्स अब अर्थ ऑर्बिट है उसमें क्या है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रहा है जहाँ से डायरेक्ट आपको वाईफाई मतलब विदाउट केबल रिक्वायरमेंट यू गेट योरसेल्फ सेल्फ रजिस्टर्ड एंड दे विल प्रोवाइड यू ए लिंक थ्रू दैट तो वो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो जहां Uh, 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 क्या कहते हैं आपके पास रिलायंस uh, 5G की केबल डालने में लगा हुआ है इंटरनेशनल uh, वाटर्स में और पूरे कंट्री में वहां टेस्ला क्या कर रहा है कि केबल की जगह सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी में है ऐसे ही uh, आपके पास अमेजन भी सैटेलाइट भेज रहा है देर इज डीप ओरियन Blue Orion नाम का उसका एक लॉन्च पैड है जिससे वो लोगो को uh, ने अर्थ के ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव ऑन uh, के सैर करवाएगा 16 करोड़ रुपीज पर uh, seat है, सीट है छह सीट्स का वो एक ऑर्बिट है वो है पॉड है तो इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने से हमें पता लगता है कि क्या क्या नया आ रहा है क्या क्या नई गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं कैसे कैसे सोसाइटी की डिमांड चेंज हो रही है ओके एंड व्हाट वी व्हाट वी हैव टू डू हाउ वी हैंडल अप दीज ऑल चेंजेस विच आर कमिंग ऑन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट और इकोनॉमिक फ्रंट और पॉलिटिकल फ्रंट और लीगल और सोशल फ्रंट्स तो ये सारी चेंजेस जो आ रहे हैं ऑन रैपिड बेसिस वी आफ्टर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट आर एबल टू हैंडल द चेंजेस एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसीज़ एज पर द चेंजेस हैपनिंग सो दैट वी कैन प्रॉस्पर वी कैन कम्पीट विद आर कम्पिटिटर्स तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फिर आपके पास है कि बिजनेस असिस्ट करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अब अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या क्या रिसोर्सिस चाहिए आपको क्या क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में तो आप पॉलिसी या प्रोग्राम क्या बनाओगे तो यही आस्पेक्ट है कि आफ्टर हैविंग A uh, proper understanding of the changes coming into the environment. Okay. After understanding the threats you can be facing uh, because of the changes happening in the environment. Okay. And after understanding the opportunities which are being offered by the market, you will make proper plans and programs and policies and implement them for the betterment of the organization. तो ये इम्पॉर्टेंस है बिज़नेस इन्वामेंट की कि आप उसको स्टडी करते हो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगता है थ्रेट्स का पता लगता है आपको ये पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन सब चीज़ों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हो तो ये बिज़नेस इन्वामेंट की स्टडी से ही पॉसिबल है ओके okay.

कैसे -कैसे changes आ रही है? या आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हो तो आपकी कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी मतलब क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हाउ यू हैव टू अपग्रेड यूर सेल्फ हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट जैसे अब आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज फॉर कैरिंग आउट द थिंग्स इफ पीपल हु आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विस इन ए फैक्ट्री आर नॉट बींग ट्रेंड इन द न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे एक रिपोर्ट थी अभी के बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास डॉक्टर्स ही नहीं हैं वेंटिलेटर्स चलाने के लिए तो मतलब अगर आपने वेंटिलेटर खरीद लिए मगर डॉक्टर को ट्रेनिंग नहीं दी है टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग नहीं दी है टू हैंडल देम वेल हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट आउट ऑफ इक्विपमेंट विच यू हैचे सो मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस हैं और उससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपको कैसे कम्पीट आउट कर सकते हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको बिजनेस इन्वामेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है और उससे आप अपने बिजनेस में रिक्वायर्ड चेंजेस लाकर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो ओके okay? तो ये आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके क्या क्या डायमेंशनस हैं ये हमने वैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे कि हमारे पास एक तो सोशल इन्वायरमेंट है फिर हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है फिर हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है फिर हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट है ओके okay. तो लीगल इन्वायरमेंट जैसे पिछले साल आपको एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था ऑन बर्निंग ऑफ क्रॉप्स कि जी इससे पॉल्यूशन होता है इससे हेल्थ इफ़ेक्ट होती है तो इस एस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी लेते हुए पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सॉल्यूशन डेवलप किया जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको पायलट प्रोजेक्ट पे यूज भी किया लेटर ऑन दे गेव इट टू देयर होल लेटर ऑन दे गेव इट टू देयर होल फार्मिंग कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसमें क्या था के आपकी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जैसे अभी चावल कटेगा तो उसके बाद वेस्ट आता है या गेहूं काटी जाती है तो उसके बाद वेस्ट आता है तो उसको फार्म को बर्न करने की बजाय वो जो सॉल्यूशन है वो अगर आप न, 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 फार्म पे स्प्रे करो तो इन फिफ्टीन डेज आपकी जो क्रॉप है जो जो रिमेन्स हैं क्रॉप के आफ्टर कल्टीवेशन वो रिमेन्स डीकंपोज हो जाएंगे एंड दैट विल इंप्रूव अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड ओके तो ये क्या है ये एक लीगल एनवायरनमेंट है क्या लीगल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और उन रिस्ट्रिक्शंस को आपने एक्सप्लॉयड किया एज एन अपॉर्चुनिटी यू डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस जैसे एक और लीगल इन्वायरमेंट है कि एनजीटी ने कहा है कि 15 इयर्स ओल्ड डीजल व्हीकल्स नहीं रन कर पाएंगे दिल्ली में ओके okay, और क्या कहते हैं आपको जो अब रिन्यूअल फीस है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है या चलान जो हैं गवर्नमेंट ने बहुत हाई कर दिए हैं तो ये सारे लीगल इन्वायरमेंट है तो आपको लीगल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे एंड बीएस6 की व्हीकल्स आ रही हैं तो ये लीगल एनवायरनमेंट है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि बीएस6 से नीचे की व्हीकल को मार्केट में नहीं बेचा जाएगा तो दैट इज अ लीगल एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दोस अदरवाइज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन योर बिजनेस एक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो नए नए टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ रही है जैसे अभी करोना की आप uh, करते थे सैम्पलिंग करते थे तो रिपोर्ट आती थी अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या कहते uh, कहीं टेन आवर्स के बाद आ रही है कहीं फाइव डेज के बाद कहीं सिक्स डेज के बाद भी आ रही है थ्री डेज टू डेज ओके डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन बट अब आपके पास एक होम किट निकाल दी है पुणे बेस्ड कंपनी ने जैसे कोवी सेल्फ कहते हैं यू टेक एंड यू पुट इट ऑन द दैट किट एंड इन नो टाइम यू विल कम टू नो वेदर यू आर कोरोना पॉजिटिव और नॉट तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एंड इट विल हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल हु एंड इन सम्मॉल एरियाज स्माल सिटीज और बहुत दो आर नाट फाइनेंशली वेल ऑफ दे कैन ईजली क्रॉस चेक देअर हेल्थ स्टैंडर्ड एंड दे कैन देन डिसकस दे कैन टॉक टू ए डॉक्टर एंड गेट द मेडिसिन एंड कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्व तो ये जो आस्पेक्ट है ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है एक है पोलिटिकल इन्वायरमेंट आजकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ा ही गरम हुआ हुआ है आपके पास जैसे के गवर्नमेंट ने फॉर्म लॉज बनाए हैं तो फॉर्म लॉज पे अभी पीछे स्कूल के सामने आपके एजिटेशन हुआ था कि वाई चीफ मिनिस्टर हैज कम ओवर हेयर टू इनग्रेट तो उसके रिवोल्ट में जैसे ही गवर्नमेंट ने उनपे लाठीचार्ज किया तो

पहले उसपे पांच सौ रुपए सब्सिडी देते थे अब उसपे बारह सौ रुपए सब्सिडी तो सब्सिडी किसके पास जा रही है सीधा का सीधा कंपनीज के पास जा रही है। पहले आपकी जो एक बैग की कॉस्ट थी नाइनटीन हंड्रेड थी अब आपने ट्वेंटी फोर हंड्रेड कर दी तो ऑटोमेटिकली आपने बेनिफिट चाहे आप फार्मर से तो बारह सो ले रहे हो बट आप, आपने कंपनीज का प्रॉफिट पाँच सौ से बढ़ा के बारह सौ कर दिया तो ये ए, कम कॉरपोरेट फ्रेंडली है जैसे ए, कोई भी पॉलिसीज हैं या आपने कोई जैसे एयरपोर्ट्स को लीज पे दिया अदानी को या आपने शिपिंग पोर्ट्स को दिया तो बहुत चीप प्राइसेस पे दिया तो ये शो करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है आज का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा ही फ्रेंडली है किसके लिए कॉर्पोरेट के लिए फॉर एग्जाम्पल आप देखिए डीजल प्राइसेस डीजल कौन बेचता है ओ एन जी सी इंडियन ऑयल एंड बिगेस्ट सप्लायर ओके तो आपकी डीजल की प्राइसेस दो तीन रुपए बढ़ा चुके हैं इलेक्शन के बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा चुके हैं तो उससे क्या है सारी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है फूड कॉस्ट है उसके ऊपर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये क्या है आपको एक तरह से एक ऑयल कंपनीज को बेनिफिट पहुंचा रही है कंपनी गवर्नमेंट बट कॉमन मासेस के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है फॉर एग्जांपल एक और है आप देखिए कि डायमंड पे uh, जो है पॉइंट टू फाइव परसेंट है जीएसटी चार्ज ओके पॉइंट टू फाइव परसेंट से लेके थ्री परसेंट तक का जीएसटी लगता है डायमंड पे डिपेंडिंग अपॉन कटिंग पॉलिशिंग एंड वेरियस अदर प्रोसेस बट ऑक्सीजन जो लाइफ सेविंग है उस पर लगता है पांच परसेंट उस पर लगता है 18 परसेंट जीएसटी ओके ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स के ऊपर लगता है 12 से 18 परसेंट का जीएसटी और जो वैक्सीन है उस पर गवर्नमेंट चार्ज करती है 5 परसेंट जीएसटी तो मतलब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज देखो कि जो न, 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 जो तो मा, मासिस के बेनिफिट के लिए है वहां पर तो गवर्नमेंट फुल ऑन टैक्स चार्ज करती है ओके okay? तो और वहां से कॉरपोरेट के पॉकेट्स को फिल इन कर रही है डायमंड है, जो मास्टर्स uh, के लिए नहीं है उस पे जो एक्सपोर्ट होना है जो सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक मतलब एक रिक्वायरमेंट है उस पे आप जीएसटी लेते हो सिर्फ तीन परसेंट तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपका फिर है सोशल एनवायरनमेंट सोशल के सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है आपके एस्पेक्ट्स को जैसे आजकल 5G इक्विपमेंट्स का एक बड़ा व्हाट्सएप चल रहा है कि 5G वेव्स के कारण इम्युनिटीज वीक हो रही है एंड दैट्स कॉजिंग द प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज एंड ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इम्युनिटीज वीक होने से डिजीज हो रही है तो इसके ऊपर तो आज हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रूल एक ऑर्डर पास किया है कि कोई भी अगर ऐसे अफवाह फैलाएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया ओके okay? गवर्नमेंट का और सोशल है कि सोसाइटी इज स्लोली एंड स्टडली गेटिंग अगेंस्ट इज कमिंग अगेंस्ट द न्यू टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन विच इज बीग इन्फोर्सड अपॉन द नेशन चाहे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है क्योंकि 5G की स्पीड हमें कहाँ चाहिए हमें तो 4G की स्पीड भी पूरी नहीं मिलती है तो ये एस्पेक्ट्स हैं जहाँ सोसाइटी आपकी इम्पेक्ट करती है जैसे होली दिवाली है या ईद है उस पर बहुत सारी सेल होती है क्योंकि वो हमारे स्पेशल फेस्टिवल्स हैं तो सोशल इंटरेक्शन उसमें है सोसाइटी एक दूसरे से एक्सचेंज करती है दे शेयर थिंग्स विद अदर तो वहां वो एक बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है ओके okay, आपके जैसे बीफ सप्लाईज हैं तो uh, उसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट्स तो उससे क्या है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट आता है कौन सी जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स हैं मुस्लिम्स हैं क्योंकि वो लेदर के बिजनेस में डील करते हैं बीफ सप्लाईज के बिजनेस में डील करते हैं और वैसे भी बीफ एक चीप सोर्स ऑफ फूड है तो उनकी जो प्रोटीन नीड्स हैं वो उससे फुलफिल होती हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है अगर ये बैन लगा दें तो बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट करता है तो ये सोशल इन्वामेंट है फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है आपका कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या बनाई जा रही हैं जैसे हम कहते हैं कि एल को प्राइवेटाइज कर देंगे बैंक्स को छोटे बैंक्स को मर्ज करके एक बड़े बैंक बना देंगे या आप और कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को उनको हम सेल ऑफ करके प्राइवेटाइज कर देंगे तो ऑल दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मूविंग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वेयर प्राइवेट सेक्टर इज playing major role और अगर आप ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बना रहे हो तो पॉलिसीज बना रहे हो तो जो रिजर्वेशन का एस्पेक्ट है वो भी इंपैक्ट होता है उससे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस नहीं दी जाती हैं ओके okay, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या है किसी ना किसी तरीके से आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं ओके okay, तो ये आपके पास था हमारे पास के जो भी आपकी जैसे हमने पॉलिटिकल की बात की कि स्टेबल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर तो वो पॉलिसीज़ प्रॉपर बना सकते हैं ओके लीगल इन्वायरमेंट में आपके जीएसटी है या फैमा फेरा के एक्ट्स हैं या आपके एफसीआरए एक्ट्स हैं तो वो फ्रेमवर्क कैसे बनाए गए हैं उससे आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है या जैसे पनिशमेंट टैक्स होता है सिगरेट के ऊपर टबैकू के ऊपर या क्या कहते हैं एल्कोहल के ऊपर तो वो आपके इम्पैक्ट डालता है तो ये सारे हैं आपके पास पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक एंड योर सोशल एनवायरनमेंट विच इज मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस आस्पेक्ट ओके इज क्लियर इज दैट क्लियर ये ठीक है जी तो बाकी हम कल करते हैं ये यहाँ तक आज कर लीजिए मोस्ट प्रॉबली विल ट्राई टू वाइंड अप चैप्टर टमोरोके